कहीं नहीं खा रहे चचा, अखियम नहीं पहनिया है। अरे अखियम नहीं चचा, मुहा न काहे मारिएगा। अरे मुहा झापी, अरे मुहा न किया झापी। तिहाई देखिए ताला लगल है, देखिए। अब अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ, घड़ी देख के बताते हैं कि 4 बजा है। कहाँ है घाव बोले, घाव के दवाई नहीं मिल रहा है तो क्या कहल जाए। दवा है यहाँ, दवाई दवा कुछ रखते हैं, प्राइवेट के अनुसार देते हैं। हाँ। सरकारी हिसाब से दवा नहीं ना चल रहा। प्राइवेट अनुसार क्या होता है? पैसा लेके नीतीश कुमार के सरकार में फ्री। नीतीश कुमार सरकार है, बच्ची है वो तो ऐसी खत्म सरकार है। डिलीवरी होता है कि नहीं बच्चा का? कैसे कहाँ डिलीवरी होता है? ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सरकार है खाली, सरकार के गा रहे हैं कि सरकार है। हाँ जी, आप जदयू वाला? अरे सुनो पहले, हमारा सुनो पहले, आप जदयू वाला? डिलीवरी नहीं होता है। हम पूछा ही नहीं यहाँ कि डॉक्टर साहब पैसा ले आऊँ तो सरकारी दवाई मिला नहीं जी। सरकारी दवाई सुनो पहले। अरे लालू यादव के सरकार में यहाँ फ्री में टैबलेट मिलता था, तीती को घाव बिना इसी ठीक हो जाता था। देखिए यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिकारपुर प्रखंड दानापुर जिला पटना है, माने बिहार की राजधानी पटना जिला, और पटना जिले का ये एक स्कूल है सरकारी। और सरकारी स्कूल के बगले में देखिए गो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माने अस्पताल, सरकारी अस्पताल है वाला। और 3 दिख रहा है इसमें, दरवाजा तीनों बंद है। आई अस्पताल का जो बोर्ड है वो इधर है, इस बोर्ड में क्या कुछ लिखा है पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर हाल चाल लेते हैं। बोर्ड में तो कुछ लिख लेने है, खाली छेदे छेद है। हाई देखिए ये कौन चीज़ का बोर्ड है, बोर्ड का भी अता पता नहीं है। अरे पटना जिला है, बिहार की राजधानी है, गांव ग्राम दूर दराज में क्या हाल होगा वो तो बाद में जानेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं कि हाई देखिए ताला लगल है। देखिए एगो है, दूसरा देखिए तलवा, देखिए ऐसा लग रहा है कि कई महीना से खुला नहीं है, देख लीजिए। हाई एगो और ताला है इधर, देखिए। अब अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, घड़ी देख के बताते हैं कि 4 बजा है। आज 4 बजे देखिए कि तीनों का तीनों बंद है। अगर इस इलाके का कोई आदमी बीमार पड़ जाते हैं, इस इलाके के कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष बच्चा, तो कहाँ इलाज कराने जाएंगे? दुगो चचा कहीं नहीं खा रहे चचा? नहीं हम नहीं खाते हैं। अरे हम नहीं खाए, नहीं खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाइए। आप खाइए जी, खा लीजिए। नाम बता दीजिए, तलक नाम हो लखराज राय, लक्ष्मी चौक। लखराज राय, लखराज राय। हाँ अच्छा, मास्क नहीं रखते हैं? मास्क उसको रखते हैं। हाँ रखते हैं सर। अरे पहनिए दोनों तो गप करें। अरे बड़ा मुँह में महकती हो जाता है सर। देखिए एक चीज़ बताते हैं कि कपड़ा वाला हम लोग लेते हैं ना, तो एक वो पहनते हैं इसको और फिर रख देते हैं, फिर 2 घंटा बाद अगले दिन बिना धोले पहन ले। देखिए आप कने कने रख लेते हैं, आप पहन लेते हैं यू तो नहीं धो धाक रखिए हमेशा। पहन लिया पुलिस फिलहाल पहन लिया तो रख लेते हैं। ये सरकारी अस्पताल है बाबा? हाँ सरकारी है, यह सरकारी है। तो डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ? आते हैं। आवन लाइट वन आवन बाबा। हाँ देखे ताला लगा ले रहा है जी, आते हैं। यही खुलता है, यही में दवा दारू होता है। दवा और दारू जैसे दवाई, वो रोगी आया, बीमारियाँ आया, सब आया तो यही होता है। चाचा आप ईमानदारी से सही सही बताइए कि अस्पताल कै दिन? तो बगल में घर है, आते हैं डेली, बाकी ने कल से परसों से नहीं थे। 2-3 दिन से? हाँ 2 दिन से बंद है। ये अस्पताल ये ठीक हाल में है? अरे ठीक है, जाए तो आप लोग आ रहे हैं कौची में, आप रिपोर्ट कीजिए कि हाजी मस्कवा का नीमन है। अरे मस्कवा पहनिए चाचा, निकाल के ही ना बोलेगा तो हमरा से पूछेगा तो हम क्या बताएंगे। अरे पहनिए ना इसको चाचा, खराब है हम का जान तो देख रहे। अरे पहनिए ना चाचा, हमरे आंगू के बना ले। अरे पहनिए जी, आइए ले पहन लेते हैं। हां आप बोलिए, अखियम नहीं पहनिए है? अरे अखियम नहीं चचा, मुहा न काहे मारिएगा। अरे मुहा झापी, अरे मुहा न किया झापी। बोले अरे छोड़ दो, आप बगल के है एकदम। इसमें एक ही को डॉक्टर साहब है कि महिला डॉक्टर भी है? एक डॉक्टर है, सुने को नर्स। नर्स तो हमारा लगता है 2 महीना ला हो गया। क्या बोले चचा? आता है पतर के मोटा मोटा आता तो वो नहीं आ रहा है।
नहीं आ रहा है ना। डॉक्टर साहब आते हैं, आप बताइए। डॉक्टर साहब आते हैं, नर्स जो है ना वो कभी आती है अपना बैठी और उसके बाद फिर चले जाती है। अरे आपका अस्पताल देखते हैं, क्या हाल है आपके अस्पताल? अस्पताल तो मिला जुला के सही है, लेकिन कुछ है अस्पताल में सलाइन करने की व्यवस्था है? कहाँ है, घाव बोले, घाव के दवाई नहीं मिल रहा है तो क्या कहल जाए। दवा है यहाँ, दवाई दवा कुछ कुछ रखते हैं, प्राइवेट के अनुसार देते हैं। हाँ। सरकारी हिसाब से दवा नहीं ना चल रहा। प्राइवेट अनुसार क्या होता है ना, पैसा लेके डॉक्टर साहब पैसा लेते हैं दवाई बदले? नहीं लेंगे, दवा सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है। फ्री में कहाँ से मिल जाएगा, नीतीश कुमार के सरकार में फ्री? नीतीश कुमार सरकार है, अच्छी है वो तो, ऐसी खत्म सरकार है। बात अरे लालू यादव के सरकार में यहाँ फ्री में टैबलेट मिलता था अतिथि को, घाव बिना ऐसे ठीक हो जाता था। आ इनका सरकार में तो खाली पैसे, सगरो पैसे पैसे, खाली पैसे है। हाँ, जितना पैसा लूटी है। अच्छा, अभी कोई बीमार पड़ जाए हाँ, तो भर्ती होने की जरूरत पड़े, क्या करेगा? भर्ती तो बरनवाला देवलोक हॉस्पिटल कहाँ गया, वो नहीं जिंदा है। ये कहाँ जिंदा है, ये तो 5 बजे 4 बजे का लॉक होकर चल जाएगा अपना घर। अभी तो बंद है 4 बजे से पहले। हाँ तो बंद है, ये है नहीं किया था। कैसे खुलेगा, नीतीश सरकार के पास पैसा है कि देगा इसको खोलने के लिए? कई को डॉक्टर है, कहाँ के वो तो डॉक्टरे है, वो बेचारा अपन धीरे धीरे कैसे इलाज पिलाज करते रहते हैं। हाँ, और नर्स वगैरह? नर्स कहाँ है, यहाँ नर्स रहता तो बच्चा का डिलीवरी नहीं होता। डिलीवरी होता है कि नहीं बच्चा का यहाँ? कैसे कहाँ डिलीवरी होता है, और ये लोग जनता से यहाँ पूछिए, ये लोग कुछ जानते हैं डिलीवरी होता तो बोले कि ये को नर्स हैं लेकिन आती नहीं। कहाँ नर्स हैं, ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये सरकार की गा रहे हैं खाली, सरकार के गा रहे हैं कि सरकार है। हाँ जी, आप जदयू वाला? अरे सुनो पहले, हमारा बच्चा यहाँ डिलीवरी? सुनो पहले, आप जदयू वाला है? डिलीवरी नहीं होता है, लेकिन कोई आता है दुगो कभी कभी। बेचारा जेंट्स है, बेचारा बहुत मदद यहाँ करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत मैंने उनको मत पूछिए, यहाँ के वो भगवान है समझिए, एक तरह से मंदिर में बेचना है। भगवान अच्छा है? भगवान अच्छा है, मंदिर ठीक नहीं है तो कोची कहा जाए। अब वो बेचारा जानते हैं अपना पूंज, अब सरकार दवाइये नहीं देगा तो बेचेगा कोची सुथनी आदमी? कहते हैं डॉक्टर साहब कि सरकार, हम पूछा दें यहाँ कि डॉक्टर साहब पैसा ले आऊँ तो सरकारी दवाई मिला नहीं जी? सरकारी दवाई सुना पहले कि सरकारी दवाई मिला नहीं तो कि नहीं जाइए पता लगाइए कोई ब्लॉक में, कोई डॉक्टर भी सरकारी में नहीं देता है, हम अपन कीन के दवाई लाते हैं। तो नर्स है लेकिन आती नहीं है? नर्स कहाँ है? अरे अभी बोले लग, नर्स है, नर्स कहाँ है, नर्स रहता नहीं, नहीं, एक लेडीज है वो पोलियो के दवाई पिलाता है खाली, वो सरकारी नर्स कहाँ है? लास्ट वाला रूम में ना, 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 वो उसको फोर्स मानिए, नर्स कहाँ है महाराज आप बोल रहे हैं? आशा, आशा दीदी है क्या? अरे हाँ वही वही, बस पोलियो के दवाई तो उसको अब नर्स मानिएगा, आशा दीदी की डिलीवरी होगा नर काटने के लिए रहेगा तो वो नर्स मान लीजिएगा। सब नहीं है, वो सब नहीं है, आएगा बैठेगा डॉक्टर साहब कहेंगे। समझ रहे हैं, ये सरकारी पंचायत में सरकारी हॉस्पिटल जितना जगह है उस मुताबिक की जगह नहीं है, इसको बढ़िया से सरकारी हॉस्पिटल बड़ा पंचायत है उस जगह हिसाब से, अगर अगर यहाँ अगर सरकारी हॉस्पिटल रहता बढ़िया से इलाज होता तो लोग बरनवा सरकारी हॉस्पिटल दानापुर 2 रुपया के पुर्जा लगाए का बोले कि घाव है इलाज नहीं हो रहा। देखा ना, का है का है, देखिए ना, अब डॉक्टर साहब जब ही तो 200 करता था कि 200 फीस हो गए, तो प्राइवेट में जाके इलाज न करा भाई हमें, यहाँ फीस थोड़े लगा है, तब आखिर 200 लेते ना दवाइया के, दवाइया यह सबके दवाई नहीं मिला यहाँ। कहे तो कि भगवान है अपना हिसाब से पैसा से दवाई ला कर पूंजी लगाते हैं, ये दुकान है मेडिकल दुकान है, वो बेचारे के पास दवा पैसा नहीं है लाने के लिए, तो ये अपना जो वेतन मिलता है वो वेतन के हिसाब 5,000 के दवाई लाते हैं, 20 दिन 10 दिन चला फिर ओकरा बाद शटर बंद कर देते हैं, पैसे दवाइये रहेगा तो कोची इलाज करेंगे? बोलिए जी, दवाइया रहेगा, बात यही है, वो डॉक्टर साहब जो है वो अपने हिसाब से दवाइया रहेगा तो वही ना इलाज करेंगे। सरकार के पास सरकारी कर्मचारी नहीं है जो ये सब सफाई करने के लिए, डॉक्टर नहीं सफाई करेगा सर? नहीं, डॉक्टर साहब कैसे करेंगे? गंदगी देखिए सरकारी अस्पताल के आगे कितनी गंदगी है, कोई साफ करने वाला नहीं है, और इसी से ये अस्पताल भी बीमार हुआ है। शिकारपुर है, पटना जिला का शिकारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देखिए उन्हें स्कूल है, और दानापुर है प्रखंड जिला, बता दे कि पटना है
और राज्य है बिहार, सुशासन की सरकार, अस्पताल का ये हाल। एक डॉक्टर है, ना नर्स है, और डॉक्टर साहब भी आते भी हैं और आज तो देखिए नहीं आए हैं, कल भी नहीं आए थे, परसों भी नहीं आए थे। नर्स तो है ही नहीं है, एक आशा दीदी कभी कभी आती है, और कोई व्यवस्था नहीं है, ना दवाई की व्यवस्था, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था, ना सलाइन कराने की व्यवस्था। बस डॉक्टर साहब आते हैं, एक टेबल पे बैठते हैं, कोई बीमार पड़ता है तो दवाई लिख देते हैं, दवाई भी उनके पास होता है वो वाला जो वो खरीद के लाते हैं और इनको बेच देते हैं। सरकारी कोई सुविधा यहाँ नहीं है, ये है स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बिहार में। पसंद आया वीडियो शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो देख रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी बजा के, और गंदगी देख लीजिए, गंदगी का अंबार।